हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है वेज मेयो सैंडविच। और हम आपसे यहाँ पे टू टाइप्स की वेज मेयो सैंडविच की रेसिपी बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया हुआ है बारीक कटा हुआ प्याज, यानी कि फाइनली चॉप्ड अनियन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड टोमेटो यानी कि टमाटर। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। यहाँ पे हमने रेड, ग्रीन और येलो जो कैप्सिकम होती है, मिक्स कैप्सिकम है, उसको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप कोई भी एक कैप्सिकम ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला हुआ है बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा यानी कि क्यूकम्बर, फाइनली चॉप्ड। और आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने मन के अनुसार, आपको जो पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़े से यहाँ पे चिली फ्लेक्स। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं, तो आप ना डालें, आपकी चॉइस पे है। इसके बाद हम डालेंगे मिक्स हर्ब, या फिर आप चाहें तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, तो इसको डालेंगे। और इसके अलावा अगर आप ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब नहीं डालना चाहते हो, तो आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। सभी मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे मेयोनीज। मेयोनीज यहाँ पे हमने वेज मेयोनीज का यूज किया हुआ है, और कम से कम 4 से 5 चम्मच हम इसमें डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये क्रीमी होना चाहिए। तो इसमें हमें ऐड करेंगे 4 स्पून हमने यहाँ पे मेयोनीज डाला हुआ है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर जो है लगभग रेडी हो चुका है, इस तरीके से देखिए, क्रीमी सा। फिर हम अब यहाँ पे लेंगे ब्रेड। यहाँ पे जो हम पहला सैंडविच बना रहे हैं उसके हम यहाँ पे साइड्स जो हैं ब्रेड के वो निकाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड जो आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। और अगर आप चाहें तो साइड्स ना कट करें, लेकिन अगर आप कट करेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसके चारों जो साइड्स हैं उनको हम कट कर देंगे। अब इस ब्रेड पे हम लगाएंगे बटर। अब दोनों ब्रेड पे बटर लगाने के बाद जो हमने मेयोनीज का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। दूसरी ब्रेड को भी उसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और इसको जो है हम हाफ बीच से कट कर देंगे, ट्रायंगल शेप में कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो पहला सैंडविच की रेसिपी थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप के सैंडविच की। हम जो है ब्रेड लेंगे, और ब्रेड में यहाँ पे जो है हम डाल देंगे जो मेयोनीज का पेस्ट जो मिक्सचर बनाया था उसको डायरेक्टली डाल देंगे। इसमें हमने बटर ऐड नहीं किया है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे।
उसके बाद जो है दूसरी ब्रेड पे हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस आप लगा सकते हैं, या आप जो है टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, या हरी चटनी भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस था तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से एक प्लेट में लगा लेंगे। और लगाने के बाद इस ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे थोड़ा सा। फिर हम लेंगे तवा और तवे को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उस पर लगाएंगे बटर। अब इस ब्रेड को जो है, इस सैंडविच को हम बटर में सेकेंगे, इसलिए हमने पहले इसमें बटर नहीं ऐड किया था। और इसको हल्के से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको धीमी आंच में सेकना है, ताकि ये कुरकुरा सा करारा सा बने, और आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करके जो है सेकना है। फिर जब आपको लगे कि ब्रेड एक साइड सेक चुका है, तो हम जो एक साइड बचा हुआ उस पर भी बटर लगा देंगे, और फिर जो है उसको पलट देंगे दूसरी तरफ। इस तरह से पलट देना है, और दूसरे साइड को भी हमको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सेक देना है। आप चाहें तो बटर और ऐड कर सकते हैं इसमें, और मीडियम फ्लेम पे अगर आप सेकेंगे तो ब्रेड जलेगी नहीं, और हल्की कुरकुरी सी जो है अच्छे से सिक जाएगी ब्रेड। तो इसको इस तरीके से हम सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे घी या ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर अगर आप इसको बटर में सेकेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छा आता है। जो ब्रेड है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसको उतार लेंगे और इसको भी हम दो पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी हो चुका है। तो दो तरह के सैंडविच हमने आपको रेडी करके दिखाए, और ये सैंडविच जो होते हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये सैंडविच हेल्दी भी होते हैं। आप इसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं, और आप उनको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगते हैं सैंडविच, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।